मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। बेसिकली आज वाली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी लोग ओपी सा एक रिपब्लिक डे के लिए एक थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा बैकग्राउंड करना पड़ेगा, मेरे पैक में से आपको वाली इमेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसे ग्रेडियंट कलर देना है। जो ग्रेडियंट कलर देना है आपको करना है सबसे पहले लाइक ऑरेंज एंड दूसरी तरफ आपको ग्रीन ले लेना है। इसके बाद इसे करना है आपको ओवरले, एंड ओवरले करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से देखेगा। एंड अब आपको करना क्या है, एंड अब आपको जाना है इरेजर टूल में। एंड देन इरेजर टूल में जाने के बाद आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर से ये मतलब कलर निकालना है, एंड देन बहुत आराम से निकालना है। जब तक मैं कलर निकालता हूँ आप जाकर नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल भी होगा उसको क्लिक कर देना। एंड आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर प्लीज़ यार लाइक कर दो। 1K करवा दो भाई, 1K पर बहुत तगड़ी चीज़ आने वाली है। तो मैंने ये निकाल लिया इसका कलर। कलर निकालने के बाद अपने टेक्स्ट को हम ले लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे अपने टेक्स्ट ले लिया हमने, एंड टेक्स्ट लेने के बाद दोबारा से हम लाइक इरेजर टूल पे जाएंगे, एंड देन इसको टेक्स्ट को इरेज करेंगे। ऐसा लगाना है कि हमारे कैरेक्टर के जो टेक्स्ट है वो पीछे की साइड आ रहा है। सो इसे बहुत आराम से करना पड़ेगा ये काम, तो मैं फटाफट से निपटा लेता हूँ। बहुत आराम से करना है ये काम। देन यहाँ पे एंड ऊपर की साइड से थोड़ा काट देते हैं, एंड देन डन। सो बेसिकली आपका अब ऐसा लग रहा है कि ये सी जो है वो कैरेक्टर के पीछे छुप चुका है, बहुत सेक्सी लग रहा है दिखने में। तो फटाफट से अपना दूसरा टेक्स्ट भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है जो आपका लाइक सबसे पहला टेक्स्ट हो तो आपको लाइक बड़ा टेक्स्ट रखना है, जो आपका बड़ा टेक्स्ट हो वो उसके पीछे लगाना है, एंड देन उसको छोटा जो टेक्स्ट हो वो उसके आगे की साइड लगाना है आपको कुछ इस टाइप से। जिस और ऊपर की साइड लगाना है मतलब इसके बड़े टेक्स्ट की ऊपर की साइड आएगा आपका छोटा टेक्स्ट। एंड देन इसे करने के बाद आपको उसको सेलेक्ट पिक्सल करना है, एंड देन ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट आपको देना है वाइट कलर वाला, इसमें प्रीलोडेड होता है। आपको कुछ इस टाइप से ग्रेडियंट दे देना है, एंड आपको डे लाइक दोनों को ग्रेडियंट देना है। इफ़ यू वांट आप दोनों को अलग अलग ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग ग्रेडियंट दे सकते हैं, बट मैंने दोनों को एक ही ग्रेडियंट दिया है बिकॉज बहुत ओपी लगता। एंड देन आपको एक इंपी लेयर बनानी है, इंपी लेयर को फिल करना है वाइट कलर से। उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट पिक्सल करने हैं, ऊपर जाके क्लियर कर देना है, एंड देन इसे ग्लो करना है। मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ ये चीज़, आई नो आप सभी को आती है बट फिर भी देख लो। तो मैं फटाफट से इसे कर देता हूँ, एंड टेक्स्ट वाली लेयर में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, एंड देन सिंपल सा एंड सही है। एंड यहाँ पे जाके कर्व्स में जाके इसकी थोड़ी सी लाइक ये चीज़ बढ़ा देनी है। ऐसे आपको दूसरे वाले टैग के संग करना है, आई नो आप सब कर लोगे, आप लोग बहुत होशियार हो मेरे को पता है, तो इसलिए कर लो। तो मैं फटाफट से अपने दूसरे टैग से भी कर लेता हूँ। तो मैंने दूसरे टैग से भी कर लिया, एंड देन यहाँ पे जाके मैं थोड़ा कर्व में जाके इसको भी थोड़ा लाइक नीचे की साइड कर लूँगा, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है ये। एंड अब आपको करना क्या है, आपको अब सारी लेयर मतलब जो जो लेयर आपने बनाई है उसको मर्ज कर देनी है अपने टैग के संग। आपने हमारे पास दो लेयर आ चुकी हैं, तो डे वाली जो लेयर है ऊपर रहेगी, एंड देन रिपब्लिक वाली जो है वो नीचे रहेगी। उसके बाद इन दोनों का आपको शेडो देने, सबसे पहले आप डे वाले मतलब जो आपका छोटा टेक्स्ट होगा उसको शेडो देनी है सबसे पहले आपको, एंड देन मैं दिल्ली से शेडो दे देता हूँ इसको, एंड देन उसके बाद आपको बड़े वाले टेक्स्ट को लाइक शेडो देनी है। तो मैंने अपने दोनों टेक्स्ट को शेडो दे दिया, एंड दोनों का अब करना है दोनों को मर्ज कर देना है। एंड देन मर्ज करने के बाद अब एक साथ शेडो देनी है, इस बार जो शेडो देनी है वो ज़्यादा देनी है कुछ इस हिसाब से आप देख लो। या तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट रेडी हो चुका है, बहुत ओपी लग रहा है इसके पीछे लगा हुआ। एंड अब बार रही है इसमें कुछ लाइक पार्टिकल्स वगैरह डालने की। तो सबसे पहले मेरे आपको पैक में से मतलब ये पार्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जाना है, एंड इससे पीछे बबल्स मिलेंगे ये लगा देने हैं, एंड देन इसको कर देना है आपको ओवरले। आई नो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है ये। एंड यहाँ पे जाना है एंड वापस से, एंड देन लीव वाला ये आपको मिल जाएगा, एंड देन वापस से यहाँ पे लगाना है, एंड इसको भी कर देना है ओवरले। सो बहुत ओपी लग रहा है। एंड दोबारा से लाइक जाना है हमारे पैक में, तुम्हारे सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरे पैक में जाके जो ले लेना है इसको लीने डॉच कर देना है, एंड देन इसके ऊपर से मतलब इरेजर टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर जितनी भी ये चीज़ आ रही है सबको काट देना है फटाफट से, मतलब मिटा देना है। ऐसा नहीं लगे कि हमारे कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, वरना हमारा कैरेक्टर जो है छुप जाएगा, और जो मेन चीज़ है वो हमारा कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर दिखना चाहिए। तो मैं जल्दी से हटा देता हूँ ये चीज़, एंड देन इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं, एंड इसमें जल्दी से हम पार्टिकल्स ला देते हैं। मैं जाता हूँ, एंड देन पार्टिकल्स देखते हैं पार्टिकल्स कहाँ पे है, एंड देन हाँ मैं जैसे पार्टिकल्स ले लेता हूँ, एंड देन इसको लीलियर डॉच कर देता हूँ। एंड इसे भी हमें अपने टैग मतलब जो कैरेक्टर है
इसके ऊपर से हटाना है इरेजर टूल की मदद से, एंड देन आपका अपना रिपब्लिक डे का थंबनेल ओपी जैसा रेडी हो चुका है। सो आई होप आपसे वीडियो अच्छी लगी, वीडियो और अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दो, एंड देन 1K करवा दो भाई, सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और अब तक आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी है तो देख लो जाके। सो यही गोज़ है 1K के, तो 1K करवा दो। सो मिलता हूँ।